जी, इस आईसी को वर्क में आने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत है। जब इसे 12 वोल्ट मिलेंगे ये वाले, तब ये यहाँ से सिग्नल निकालेगी इसके बेस के लिए। जब तक इसे 12 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो ये सिग्नल नहीं निकालेगी। तो ये है तरीका इसका। अच्छा, अब इसके कलेक्टर से जब 5 वोल्ट आउट होंगे तो वो भी फिल्टर होंगे, ठीक है, वो भी फिल्टर होंगे। तो उसे क्या है, ये क्या लगा है, कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर ये भी लगा हुआ है। तो इसके 2.5 वोल्ट को ये फिल्टर करेगा, इसके 5 वोल्ट को ये फिल्टर करेगा। अब हमने ये कलेक्टर पर रखा और एक प्रॉब पॉजिटिव सिरा ये वाला हो गया निशान वाला, तो ये रखा, ये 5 वोल्ट हो गया। अब इसी तरीके से ये देखा तो 2.5 वोल्ट का हो गया, 2.5 वोल्ट हो गया। अब आप ये पता लगा सकते हैं कि ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब जैसे हमने 5 वोल्ट देखे कि सीपीयू को ज़रूरत है क्या, ये 5 वोल्ट ये रखी 5 वोल्ट पे, और दूसरी हमने देखा कि सीपीयू को तो ज़रूरत है नहीं है कहीं 5 वोल्ट की। तो इस तरीके से हमने ये आहिस्ता आहिस्ता से देखो ये बोलिए, यानी कि ये 5 वोल्ट सीपीयू पे आ रहा है, ठीक। अब हमने कोई एक आध और आईसी देखी, जैसे मान लीजिए ये देखी, कहीं इसे ज़रूरत तो नहीं 5 वोल्ट की, ठीक, इसे भी 5 वोल्ट की ज़रूरत है। तो ये है ट्रेसिंग किस तरीके, तो बीप की रेंज पर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रख कर तो हम इस तरीके से पता लगाते हैं। अब ये इग्निशन वाले हैं, जब इग्निशन ऑन करते हैं तब ये वाले वोल्ट आउट होंगे, और वो कहाँ जाएंगे उसे देखते हैं। G01 पिन नंबर 5, तो G01, तो G01 तो आ गया ये वाला साइड, और पिन नंबर 5 आ गई ये वाली साइड। तो हमने 1 2 3 4 5 5 पर हमने ये लगा दिया, ठीक है, 5 पर लगा दिया। और मल्टीमीटर की प्रॉब को इस तरीके से हमने लिया, ठीक। क्या करते हैं कि देखते हैं ये कहाँ जा रही है 12 वोल्ट की इग्निशन वाली सप्लाई। इसकी पिन नंबर जो है वो है 5, तो पिन नंबर 5 को देखा हमने कि पहले तो यहाँ दूसरे डायोड पे देखते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, और रेजिस्टेंस देखी नहीं है, ये बोले, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बोले, और इस पे लिखा हुआ है 103 10 के की रेजिस्टेंस। चलो लगे हाथों इसे चेक कर ही लेते हैं कि ये कितने वैल्यू की है। तो मल्टीमीटर को हम के की रेंज पर लाए, ये हो गई 10 के की, 9.99 10 के की वो रेजिस्टेंस हो गई है।